विकास मैथमेटिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 1 चैप्टर नंबर 1 शेप्स एंड स्पेस। क्वेश्चन नंबर 1, फील इन योर फेवरेट कलर्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। नीचे दिए गए चित्र में आपको अपने पसंदीदा रंग भरने हैं। तो यहाँ आपको पहले तो जिसमें प्रॉपर कलर आता है, हो सके तो दिए हुए चित्र में पहले प्रॉपर कलर ही करें। जैसे कि ये जो स्काई है उसमें ब्लू कलर ही आएगा, ये जो सन है वो येल्लो आएगा, ट्रीज़ ग्रीन कलर, माउंटेन ब्राउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा के चित्र में ऐसे जिसके अंदर प्रॉपर कलर नहीं आते, उस वैसे चित्र में आप अपने पसंदीदा रंग भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज है इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड यानी अंदर की तरफ, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर इनसाइड एंड क्रॉस फॉर आउटसाइड इन द गिवन बॉक्स। तो नीचे दिए गए चित्रों को हमें ऑब्जर्व करना है और उसके दिए बॉक्स के अंदर जो चित्र इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ है उसके लिए राइट मार्क करना है, और जो चित्र बाहर की तरफ है आउटसाइड उसके बॉक्स में हमें क्रॉस का साइन करना है। तो यहाँ आप पहले चित्र में देख सकते हो कि कैमल है एंड वन मैन है जो कि इनसाइड है टेंट के इनसाइड। तो यहाँ पे इनसाइड है ये मैन, उसके लिए हमें राइट करना है, और ये जो कैमल है उसके लिए आएगा क्रॉस मार्क। उसके बाद नेक्स्ट चित्र में कैनल है, उसके अंदर डॉग सो रहा है, इनसाइड है, और दूसरा रॉकी जो है वो कैनल के इनसाइड है एंड जो टॉमी डॉग है वो कैनल के आउटसाइड है। तो इनसाइड के लिए आएगा राइट और आउटसाइड के लिए आएगा क्रॉस मार्क। इसके बाद अगला चित्र है, टू कैट्स है, एक कैट है वो बाहर की तरफ है आउटसाइड, और दूसरी कैट जो है वो, तो यहाँ पे जो टू कैट्स है एक है आउटसाइड एंड अदर कैट्स इन इन द बास्केट यानी कि इनसाइड। तो इनसाइड कैट के लिए आएगा राइट मार्क और आउटसाइड जो कैट है उसके बॉक्स में आएगा क्रॉस मार्क। नेक्स्ट पेज 4th नंबर, टू बॉयज़ है, एक बॉयज़ जो है वो टॉय शॉप के बाहर है और दूसरा बॉयज़ जो है वो टॉय शॉप के अंदर की तरफ है, टॉयज़ देख रहा है। तो जो बॉयज़ टॉय शॉप के इनसाइड है उसके लिए आएगा राइट एंड जो बाहर है उसके लिए आएगा क्रॉस मार्क। नेक्स्ट पेज, बिगर एंड स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द बिगर एंड क्रॉस फॉर द स्मॉलर इन द गिवन बॉक्स। नीचे कुछ चित्र दिए हैं, उसे हमें गौर से देखना है, ऑब्जर्व करना है, और जो चित्र बड़ा है बिगर है उसके लिए राइट मार्क, और जो स्मॉलर यानी कि छोटा है उसके लिए क्रॉस मार्क करना है दिए हुए बॉक्स में। सो फर्स्ट है स्वीप, तो स्वीप है फर्स्ट दिया है स्मॉल एंड सेकंड है बिग। तो स्मॉल के लिए करना है क्रॉस मार्क एंड बिग के लिए आएगा राइट मार्क। उसी तरह नेक्स्ट चित्र में दिया है बेड, पहले वाला बेड बड़ा है बिगर यानी उसके लिए आएगा राइट,
और जो दूसरा स्मॉल बैट है उसके लिए आएगा क्रॉस। उसके बाद दी है कैंडल, फर्स्ट कैंडल इज बिग एंड सेकंड कैंडल्स देन अदर कैंडल्स स्मॉलर, यानी कि ये दूसरी जो कैंडल है इसके तुलना में छोटी है और इसकी तुलना में ये बड़ी है, तो दिस इज बिगर राइट मार्क एंड दिस इज स्मॉलर क्रॉस मार्क। नेक्स्ट पिक्चर है पेंसिल्स का, बिगर के लिए आएगा राइट, स्मॉलर के लिए आएगा स्मॉल क्रॉस। नेक्स्ट है क्लॉक, बिगर राइट स्मॉलर क्रॉस, तो इसमें से ये है स्मॉलर उसके लिए आएगा क्रॉस, ये कैर काइट है बिगर आएगा राइट। नेक्स्ट पिक्चर है बॉल का, फर्स्ट बॉल है स्मॉलर क्रॉस मार्क, सेकंड दिया है बिगर उसके लिए आएगा राइट मार्क। नेक्स्ट दिए है पॉट, फर्स्ट दिया है बिगर राइट, स्मॉलर के लिए क्रॉस मार्क। नेक्स्ट दी है स्क्विरल, उसके लिए आएगा क्रॉस मार्क एंड काउ बिगर आएगा राइट मार्क। उसके बाद चित्र दिया है पिक का, उसके लिए और पपी का, तो ये जो है पिगलेट वो बिगर है उसके लिए आएगा राइट एंड पपी के लिए आएगा क्रॉस। उसके बाद नीचे दी है टाई, फर्स्ट है बिगर राइट मार्क, सेकंड है स्मॉलर क्रॉस मार्क। उसके बाद दी है नील, फर्स्ट वाली है स्मॉलर उसके लिए आएगा क्रॉस मार्क एंड जो सेकंड वन है वो है बिगर उसके लिए राइट मार्क। और लास्ट चित्र दिया है एरो का, फर्स्ट वाला है बिगर उसके लिए आएगा राइट मार्क, दूसरे वाले के लिए आएगा क्रॉस मार्क। तो इस तरह जो बिगर है उसके लिए राइट मार्क करना है और जो स्मॉलर है उसके लिए करना है क्रॉस मार्क। तो ये वाले पेज जो मैंने समझाया उसी के बेस पे आपको ये वाला पेज भी खुद ही करना है, उसके लिए आपको लास्ट में मैं चित्र में आंसर दूंगी। पहले आपको खुद करना है फिर कंपेयर करना है आंसर वाले पिक्चर के साथ के दिया हुआ चित्र आपने लिखे हुए आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट पेज, यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह दी हुई सूचना के मुताबिक ये पेज कंप्लीट करना है। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, आगे हमने जो दिए हुए चित्र में से बड़ा और छोटा दो चित्र में से एक दूसरे के कंपैरिजन में कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है वो लिखा। यहाँ पे हर एक चित्र में सेम थिंग्स 3D है, तो उसे हमें दिए हुए चित्र को क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द बिगेस्ट एंड क्रॉस फॉर द स्मॉलेस्ट इन द गिवन बॉक्स। तो यहाँ पर हमें बिगेस्ट यानी कि जो तीन चित्रों में से सबसे बड़ा है उसके लिए राइट करना है, और स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा जो सबसे छोटा है उसके लिए करना है क्रॉस मार्क। तो यहाँ पे तीन कलर्स दिए हैं कलर्स पेंसिल्स, तो पहली वाली बड़ी है सबसे उसके कंपैरिजन में, उसके नीचे की छोटी है और लास्ट में सबसे छोटी है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी हुई ये वाली उसके लिए करो राइट एंड लास्ट वन इज स्मॉलेस्ट इसके लिए आएगा क्रॉस मार्क। नेक्स्ट यहाँ पे दी है गन, गन में भी उसी तरह है, फर्स्ट दी है सबसे बड़ी, सेकंड इज स्मॉलर देन फर्स्ट गन एंड लास्ट वन इज स्मॉलेस्ट इन अदर टू गन्स। सो बिगेस्ट गन इज द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट गन इज लास्ट।
इसके लिए आएगा फ्रॉश। नेक्स्ट पिक्चर्स, यहाँ पे तीन चित्र दिए हैं, तीन बेग दी है, तो यहाँ पे सबसे छोटी फर्स्ट वाली जो है वो सबसे छोटी है, उसके कंपैरिजन में ये वाली थोड़ी बड़ी है, और जो नीचे दी है वो सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी बेग है उसके लिए आएगा राइट, एंड सबसे छोटी है भी स्मॉलेस्ट है उसके लिए आएगा क्रॉस। एंड लास्ट पिक्चर, मैंगो, चेरी एंड वाटरमेलन, यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रूट्स हैं चेरी जो स्मॉलेस्ट है यानी सबसे छोटी, उसके कंपैरिजन में मैंगो है थोड़ी बड़ी है, एंड वाटरमेलन इज बिगेस्ट फ्रूट। यहाँ पे ये हुए तीन फ्रूट्स में वाटरमेलन सबसे बड़ा है, उसके लिए आएगा राइट, एंड चेरी के लिए आएगा क्रॉस जो कि सबसे छोटी है। तो ये पेज जो हमने किया उसी के बेस पे आपको ये सामने वाला पेज खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद लिखना है इस वाले पेज के बेस पे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह दी हुई सूचना के मुताबिक ये पेज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी नेक्स्ट पेज पे स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, बिगेस्ट के लिए राइट, स्मॉलेस्ट के लिए क्रॉस, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट राइट मार्क क्रॉस मार्क। न्यू पेज, टॉप ऑन अबव, टॉप ऑन और अबव ये तीनों वर्ड ऊपर, ऊपर की तरफ या फिर शिखर उसके लिए उपयोग होते हैं, और दूसरा है बॉटम, अंडर, बिलो, ये तीनों वर्ड नीचे यानी कि तल के संबंधित उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड पुट राइट 4 टॉप ऑन अबव एंड क्रॉस 4 बॉटम अंडर बिलो इन द गिवन बॉक्स। नीचे जो चित्र दिए हैं उसे हमें ध्यान से देखना है, और जो ऊपर की तरफ है उसके लिए राइट मार्क करना है, और जो नीचे की तरफ है इसके साथ दिए हुए बॉक्स में क्रॉस का मार्क करना है। यहाँ पे 3 बॉयज है जो स्लाइड के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला बॉय जो है वो टॉप पे है, ऊपर है, तो इसके लिए आएगा राइट, ये वाला अभी तक नीचे तक नहीं आया है, और ये जो बॉय है वो नीचे खड़ा है उसके लिए आएगा क्रॉस। नेक्स्ट पिक्चर, ये जो बॉल है वो सीढ़ी के ऊपर है, टॉप पर है, इसके लिए उसके लिए हम उसके बॉक्स में लिखेंगे राइट मार्क, एंड ये जो सीढ़ी है उसके बॉटम में यानी कि नीचे की तरफ है टेडी, इसके लिए आएगा क्रॉस मार्क। उसके बाद आगे चित्र है पेड़ का, पेड़ के ऊपर है चिड़िया, ये जो स्क्विरल है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और कैट है वो भी नीचे है, तो टॉप पर है ये बर्ड उसके लिए आएगा राइट, और ये जो कैट है उसके लिए आएगा क्रॉस। नेक्स्ट पिक्चर, ये जो क्लॉक है उसके ऊपर है माउस और नीचे है कैट, तो माउस के लिए आएगा राइट मार्क, और ये कैट के लिए आएगा क्रॉस मार्क। नेक्स्ट पेज, चित्र में आपको पॉटर दिखाई देगा, पॉटर के साथ में दिया है चित्र पॉट का, तीन पॉट है, एक दूसरे के ऊपर है, सबसे ऊपर वाला है पॉट ये वाला, उसके लिए ये बॉक्स दिया है, और सबसे नीचे है ये वाला पॉट, उसके लिए ये बॉक्स दिया है, तो ऊपर वाले पॉट के लिए आएगा राइट मार्क, और जो बॉटम में है उसके लिए आएगा क्रॉस मार्क। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुक्स की स्टैक है,
इंग्लिश सब्जेक्ट की, उसके ऊपर हिंदी, उसके ऊपर है जनरल नॉलेज की बुक, उसके ऊपर है ईवीएस और टॉप पे है मैथमेटिक्स, सबसे ऊपर है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे टॉप पे है मैथमेटिक्स तो उसके बॉक्स में आएगा राइट, और बॉटम में है इंग्लिश उसके लिए आएगा क्रॉस मार्क। नेक्स्ट पिक्चर सीढ़ी है, तो सीढ़ी के नीचे खड़ा है पपी और ऊपर है ऊपर है किटन, उसके तो ऊपर वाले के लिए आएगा राइट मार्क, और जो नीचे पपी खड़ा है उसके बॉक्स में आएगा क्रॉस मार्क क्योंकि वो बॉटम में नीचे खड़ा है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हो कि कैट जो है वो चेयर के ऊपर सो रही है और माउस जो है वो नीचे खड़ा उसे देख रहा है। तो ये जो कैट है उसके लिए आएगा राइट और ये जो माउस के लिए आएगा क्रॉस। अगले चित्र में टेबल है, टेबल के ऊपर एक बच्चा है और नीचे है बैग, तो यहाँ आएगा राइट क्योंकि बॉयस ऊपर है और ये बैग के लिए आएगा क्रॉस मार्क चूँकि नीचे है। एंड लास्ट पिक्चर एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर बंदर है और नीचे है क्रोकोडाइल, तो ये मंकी के लिए बंदर के लिए आएगा के बॉक्स में राइट क्योंकि वो ऊपर है और इसके लिए आएगा क्रॉस क्योंकि वो नीचे है। नेक्स्ट पेज एक्टिविटी, टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द पिक्चर एंड विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑन अबव एंड अंडर बिलो बाय रीडिंग अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो चित्र दिया है उसे गौर से देखना है और इसके ऊपर से हमें ऑन अबव एंड अंडर बिलो का जो मीनिंग है वो समझना है और नीचे जो सेंटेंस दिए है उसे लाउडली रीड करना है। तो यहाँ ये चित्र को आप पहले गौर से देख ले। पहला सेंटेंस दिया है द फादर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। फादर जो है पिताजी है वो कहाँ खड़े है स्टैंडिंग, तो ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर खड़े है। तो ये जो हमें ऑन अबव जो मीनिंग क्लियर करना था तो वो ऑन यानी कि ऊपर, किसके ऊपर, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। उसके बाद दूसरा सेंटेंस दिया है द फ्लावर पॉट इज़ ऑन द कबर्ड। फ्लावर पॉट कहाँ है, तो फ्लावर पॉट ऑन द कबर्ड, कबर्ड के ऊपर। नेक्स्ट है द फैन इज अबव द टेबल। ये जो फैन है वो कहाँ है, टेबल के अबव, टेबल के ऊपर। उसके बाद फोर्थ नंबर में दिया है चिल्ड्रन आर सिटिंग बिलो द सीलिंग। ये जो सीलिंग आपको दिख रही है वो सीलिंग के बिलो यानी कि नीचे है, नीचे बैठे है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर द माउस इज अंडर द टेबल। ये जो माउस है वो टेबल के अंडर यानी कि नीचे है। उसके बाद सिक्स नंबर में है द फादर एंड चिल्ड्रन आर बिलो द फैन। ये जो फादर और चिल्ड्रन कहाँ हैं, तो बिलो द फैन, फैन के नीचे। नेक्स्ट सेवन नंबर अ बाउल फुल ऑफ मार्बल इज ऑन द टेबल। मार्बल से भरा हुआ बाउल कहाँ है, तो मार्बल से भरा हुआ ये जो बाउल है वो ऑन द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर है। उसके बाद एट नंबर में दिया है द बल्ब इज अबव द कैट। ये जो बल्ब है वो कहाँ है, कैट के ऊपर। एंड लास्ट द टॉयज आर बिलो द सीलिंग। टॉयज कहाँ है, ये सब टॉयज जो है वो कहाँ है, बिलो द सीलिंग, ये जो सीलिंग है उसके नीचे। अगला पेज है नियरर एंड फादर। नियरर यानी नज़दीक, फादर यानी दूर।
क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द नियरर एंड क्रॉस फॉर द फादर इन द गिवन बॉक्स। दिए हुए चित्र को अच्छे से देखना है और दिए हुए बॉक्स अगर नज़दीक है तो उसके अंदर राइट मार्क करो और वो दूर है तो उसके लिए क्रॉस मार्क करना है। तो यहाँ पे पहला चित्र है जो आप देख सकते हो, बोट है, हाउसेस है। फर्स्ट है द हाउस नियरर टू द बोट। देखो यहाँ पे हमें दोनों जगह दोनों बॉक्स में नहीं करना है, ओनली जो हाउस बोट के नज़दीक है उसके लिए ही मार्क करना है। द हाउस नियरर टू द बोट, बोट के नज़दीक वाला घर। तो ये वाला हाउस जो है वो बोट के नियरर है तो उसके लिए आएगा राइट मार्क। नेक्स्ट पिक्चर है, ये ट्री है, लायन, डियर। क्या दिया इधर, द एनिमल फार्दर फ्रॉम द ट्री। ट्री से फार्दर यानी कि दूर वाला एनिमल, तो ट्री से फार्दर कौन सा एनिमल है, लायन या डियर। तो यहाँ पे डियर जो है वो फार्दर है और फार्दर के लिए होता है क्रॉस मार्क। इसके बाद थर्ड नंबर के चित्रों में दिए हैं टू बॉयज और दिया है स्विंग। तो द बॉय नियरर टू द स्विंग, तो यहाँ पे हमें नियरर यानी कि नज़दीक वाले लड़के, स्विंग से नज़दीक वाले लड़के पे मार्क करनी है। तो नज़दीक कौन है, ये वाला, तो नज़दीक के लिए होता है राइट मार्क। नेक्स्ट द फर्नीचर फादर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है और ये टेबल और चेयर जो है वो फर्नीचर है। तो यहाँ पे फादर यानी कि दूरी पे, ब्लैक बोर्ड की दूरी से क्या है, टेबल या चेयर। तो ब्लैक बोर्ड से फादर है चेयर, उसके लिए आएगा क्रॉस। एंड नेक्स्ट द गर्ल फादर फ्रॉम द डक, यहाँ डक है बीच में और दो तरफ गर्ल्स है। तो यहाँ पे हमें फादर वाली यानी कि दूर वाली लड़की पे मार्क करना है। तो डक से दूरी पे ये वाली लड़की है, उसके लिए आएगा क्रॉस मार्क। नेक्स्ट पेज 6 नंबर, द बर्ड नियरर टू द नेस्ट, यहाँ पे टू बर्ड्स है, ये नेस्ट है, नेस्ट में एक है, ये नेस्ट ट्री की ब्रांच पे है। तो ये दोनों में से कौन सा बर्ड है जो नियर है नेस्ट से, तो ये वाला जो बर्ड है वो नेस्ट से नज़दीक है, नियरर है, तो इसके लिए नियर के लिए आता है राइट मार्क, यहाँ करेंगे राइट मार्क। उसके बाद अगला है 7 नंबर में, द बर्ड फार्दर फ्रॉम द हाउस, यहाँ हाउस है एंड टू बर्ड्स है। तो यहाँ पे बर्ड फार्दर यानी कि दूरी पे, हाउस की दूरी पे जो बर्ड्स है उसके लिए हमें मार्क करना है। तो दूरी पे ये वाला बर्ड है और दूर के लिए फादर के लिए आता है क्रॉस मार्क, यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस। एंड लास्ट 8 नंबर में क्या है, द एनिमल नियरर टू द ट्री, यहाँ पे ट्री है और ये दो एनिमल्स है, माउस है, कैट है। तो उसके नियरर यानी कि नज़दीक, ट्री के नज़दीक है माउस, उसके लिए आएगा राइट मार्क। तो यहाँ हमने कर दिया राइट मार्क। उसके बाद अगला पेज नियरेस्ट एंड फार्देस्ट, हमने आगे दिया देखा नियरर एंड फार्दर यानी कि नज़दीक एंड दूरी। तो यहाँ पे है नियरेस्ट, नियरेस्ट यानी कि सबसे नज़दीक, एंड फार्देस्ट यानी कि सबसे दूर। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द नियरेस्ट एंड क्रॉस फॉर द फार्देस्ट इन द गिवन बॉक्सेस। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया है द पपी नियरेस्ट टू द ट्री, ट्री से नज़दीक वाला, सबसे नज़दीक वाला पपी। तो यहाँ पे 4 पपी है, तो ट्री से नियरेस्ट यानी कि सबसे नज़दीक, तो ट्री से नियरेस्ट है ये वाला पपी, तो इसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट का मार्क है राइट, तो यहाँ आएगा राइट। नेक्स्ट है 2nd में, द चाइल्ड फार्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, बच्चे खेल रहे हैं और ये स्विंग जो है, तो यहाँ पे हमें जो स्विंग से फार्देस्ट यानी कि सबसे दूर है
वो चाइल्ड पे मार्क करना है और फार्देस्ट का मार्क है क्रॉस और ये स्विंग के सबसे फार्देस्ट है ये वाली गर्ल, तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर द माउस नियरेस्ट टू द चीज, यहाँ पे चीज का पीस है और 3 माउसेस है और इसमें से हमें जो नियरेस्ट सबसे नज़दीक माउस है उसके ऊपर मार्क करना है और नियरेस्ट का मार्क है राइट। ये वाला माउस जो है वो नियरेस्ट है, सबसे नज़दीक है चीज से, तो इसके लिए आएगा यहाँ राइट मार्क। इसके बाद सामने नेक्स्ट पेज 4th नंबर में दिया है द ट्री फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री, यहाँ पे एक बर्ड है और 3 ट्रीज हैं, तो बर्ड से फार्देस्ट यानी कि सबसे दूरी वाला ट्री है उसके ऊपर मार्क करना है, तो बर्ड से सबसे दूरी पे है ये वाला ट्री, उसके लिए मार्क आता है क्रॉस फार्देस्ट के लिए, तो ये वाले बॉक्स में हम करेंगे क्रॉस। एंड लास्ट द डॉग नियरेस्ट टू द होम, तो ये होम है और ये डॉग है, तो होम से सबसे नज़दीक वाला डॉग नियरेस्ट, तो ये तीनों डॉगों में से नियरेस्ट है सबसे नज़दीक है ये वाला डॉग और नियरेस्ट के लिए होता है राइट मार्क, तो ये वाले डॉग के बॉक्स में करेंगे हम राइट मार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।